अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़ हाउ टू। इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई मेरा गला ख़राब है, इसके लिए माजरत। तो हाँ, इस सीरीज़ में हम चीज़ों की बात करेंगे, जैसे हाउ टू फिक्स दिस फिक्स, छोटे मोटे फिक्स किया करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट चलना है हमारा, पहला पार्ट जो है ये करना है कि 5M GTA 5 रोल प्ले में जो लोग सर्वर में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मतलब कनेक्ट हो जाते हैं और कभी चीज़ें नहीं रेंडर होती और लैग होता है, आगे पीछे होता है, उनका बहुत इशू हो रहा होता है, रुक रहे होते हैं लोग, फेस नहीं आ रहे होते। ये सारे मसले मेरे साथ भी चल रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं सोल्व कर ला है। ये सोल्व करने में मदद की है आदिल जोन ने, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाचा नक्कू की तरफ से उसको भी सपोर्ट कर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी हम पहले अपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, कैपेबिलिटी में जाके कभी भी आप देखना कोई एप्लीकेशन आपका इशू कर रही होगी ना, तो ये चीज़ करने से ना आपका इशू काफ़ी दफ़ा हल हो जाए। रन दिस प्रोग्राम इज़ कैपेबिलिटी मोड फॉर विंडोज, ठीक है। उसके बाद आपने करना है रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर, हो गया, और इसको आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर, ठीक है। उसके बाद आपने 5M ऑन करना है, ये ऑन कर लेते हैं। इन गेम सेटिंग भी मैं बताऊँगा जो चीज़ें रेंडर नहीं हो रही होती, ये सारा कुछ मैं इसमें क्लियर कर दूँ। चीज़ें रेंडर ठीक है, FPS लो और काफ़ी कुछ ज़मीन पानी बन जाती है उसका, अच्छा PC होने के बावजूद भी ये इशू आपके साथ नहीं होंगे, आप फिक्र नहीं था, फिक्र नहीं करने। यहाँ पे हमारा 5M ऑन हो गया है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको करके सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फिक्स UI लैग एट हाई GPU यूजेज, ठीक है। पहले आपने इसको टिक कर देना है, इसको आपने अनटिक रहने देना है, ठीक है। और ये मेरे पहली सेटिंग हुई हुई है, वो लोड होने में टाइम लेट था, लोड हो गई है, देखें। पहले आपने इसको ये वाला सेटिंग को टिक रखना है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है दूसरी सेटिंग आपके अनटिक है, बाकी ये तीनों टिक हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इंटरफेस में आपके पास है ब्लर ऑप्शन है, जिसको आपने नो ब्लर कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इन गेम सेटिंग की बात करूँ, एक दफ़ा फिर आपने इसको रिस्टार्ट कर लें, सेटिंग करने के बाद एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेना है। अच्छा, जब आप 5M ऑन करते हैं तो आपका CPU टेम्परेचर जो होता है वो एकदम हाई चला जाता है, उसका आपने वापस नॉर्मल आने पे वेट कर लेना है, सर्वर में जाने के बाद आपसे इन गेम सेटिंग में मिलता है। यार, जब आप लोग 5M ऑन करते हो ना, तो आपका जो CPU का जो यूसेज है ना, वो 100 पे गया होता है, 90-180, तो उसको नॉर्मल पे आने तक ना आप लोग सर्वर में ना घुसा। जैसे जब मेरा नॉर्मल पे आया, नॉर्मल पे आते ही जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो आराम से ना मेरा सर्वर में एंटर हो गया, ठीक है। आप जो तो शुरू में आते साथ ही अब ठक करके उस पर मारते हो, तो भाई वो फिर समझ लें आप इशू हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हम इन गेम आ गए, ठीक है। अब जिस बंदे के इन गेम मसला होता है ना कि भाई गाड़ी चल रही होती है, चीज़ें नहीं रेंडर हो रही होती हैं और अजीब अजीब इशू आ रहे होते हैं, ठीक है, वो ज़मीन पानी और पता नहीं क्या क्या, वो कभी एक बार सर्वर को होता है, ज़्यादातर अगर आपका और होता है इशू, तो मैं आपको बताऊँ, आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ग्राफिक में चले जाना, ग्राफिक में जाने के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी आपने इसको फुल कर देना है, ठीक हो गया। अब ये जो है पॉपुलेशन वैरायटी मैंने इसलिए कम की हुई है क्योंकि जो मेरा GPU है 2GB का है, मैं गेम को हल्का ही रखता हूँ, मतलब कि समझ रहे हो, ये मैं जाता हूँ कि यार मेरे स्ट्रीम है उस पर करते हुए वजन ना पड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ड, मतलब कि वजन तो पड़ रहा होता है, तो इशू ना करे, सही है ना, स्ट्रीम पे लैग ना हो। 30 FPS में मैं कर रहा हूँ तो चलो बहुत तो स्मूथ होना 30 पे भी, ठीक है। डिस्टेंस स्केलिंग मैंने इतनी रखी हुई है, ठीक हो गया, मैं इसको फुल कर लेता हूँ, बल्कि इसको फुल करने से कोई इशू नहीं आता, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सारी सेटिंग नॉर्मल है, और ये देख लो ये मेरी सेटिंग है, ठीक हो गया। खाली ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों पे आप लोग करो और ठीक है, इसको आप बढ़ाओ, ठीक है। और ये एक्सटेंड स्ट्रीमिंग बजट है, वही टेक्सचर बजट, इसमें यही है कि आपका ग्राफिक कार्ड देखो कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है, तो मैंने ग्राफिक कार्ड को रखा हुआ है चिल, ठीक हो गया। अब ये देखो ये जो है हमारी सेटिंग है, इनको अप्लाई चेंजेस कर देंगे, ठीक हो गया, और ये हमारी सेटिंग हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद हम गेम में आते हैं, तो अगर हम देखते हैं, अगर तेज़ गाड़ी भी चलाते हैं तो क्या यहाँ पे चीज़ें हमारी गायब होती हैं, अब वो भी देखते हैं जाके ना। ये मैं देख रहा था जंजुआ का कल इशू हो रहा था, उसको मतलब लोड ही नहीं होती थी चीज़ें ना, फिर हमने निकाल लिया नियॉन, ठीक हो गया। ये जी शहर के अंदर ही हम चलाएंगे, पहले मैं शहर में फिरता रहा, देखो कितने FPS आ रहे हैं, पहले मैं शहर के अंदर फिरता रहा, यकीन करो मेरे FPS इतने कम हो जाते थे, प्लेयर पैदल भी नहीं चल पाता था। अभी देखो इस गार्ड पे, इस कार्ड पे मेरे, इस ग्राफिक कार्ड पे और इस मेरे PC पे देखो कितनी स्मूथनेस है, और कोई बिल्डिंग नहीं गायब हुई, ठीक हो गया। हो गया तो बहुत तेज़ गाड़ी नहीं है, तो भाई बहुत तेज़ गाड़ी में भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होता जितना लोगों का हो रहा होता। 1063 GB पे जंजुआ का हो रहा था भाई, यार ये करो सेटिंग करो तुम, अरे तो अनु मैं कल कह रहा सी सेटिंग करा लो, ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है, ये 5M है और ये पैराडाइज रोल प्ले ही है, गौर से देख लो, समझ रहे हो आप। बाद में नहीं कहना कि भाई ये तू मोड लगा के तो नहीं बैठा हुआ, नहीं, पैराडाइज रोल प्ले ही है ये,
तेरे को कितना स्मूथ चल रहा है। ये शहर में फिर रहा हूँ मैं, को अभी जंगलात में नहीं गया हुआ कोई, मैं पिंड में नहीं गया हुआ कोई, पुलों पे नहीं गया हुआ कि जी वहाँ पे मेरे 60 FPS आ रहे हैं। इस ग्राफिक कार्ड पे इस मेरे प्रोसेसर, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी सेटिंग डली हुई है। एक तो गला मैं बहुत गला, डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा पीसी की स्पेक्स डली हुई हैं, आप ये देख सकते हो कितनी स्मूथ चल रही है गेम भाई। हाँ वो पैकेट लो उसकी वजह से आप आगे पीछे किसी में बच जाओ तो वो माजरत कर लिया करो, माफ़ी मांगने का छोटा बड़ा नहीं होता। और ये जो सेव जोन है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक वीडियो लादा से बनाऊंगा, फेल आर पे मैंने बनानी है कि ये कुछ यार। ये देखो आप मतलब के हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, पता क्या करेंगे, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखो हॉस्पिटल करीब आया ना, तो यार ये देखो यहाँ पे आपने रोकनी है गाड़ी, आप यहाँ पे स्लो कर दें, और भी स्लो कर दी, यहाँ पे स्लो करके आराम से आओ। 150 की स्पीड में इधर घुसेंगे कि यहाँ पे गिराज है यार, इस जगह इस तरह की जगह पीडी जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, उधर रैम कर लिया करो थोड़ा सा, गाड़ी को स्लो कर लिया करो, तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं हो जानी, सही है ना, थोड़ा सा इन जगहों पे स्लो कर लिया करो। इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी गाइड के यार हम जो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी RP अनप्रोफेशनल लगती है। उसके अलावा एक इसी के साथ मैं बिल्कुल इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें जो है ना हमारी जो अपनी विंडो है उसको बूस्ट, स्पीड को बूस्ट कैसे करें, मतलब कि आपके PC भी अच्छा है और SSD वगैरह NVMe लगी हुई फिर भी स्लो हुआ तो उसको बूस्ट कैसे करें, तो वो वीडियो मैं इसके फ़ौरन बाद ही रिकॉर्ड करूँ, इकट्ठी अपलोड कर दूँ, इकट्ठी अपलोड कर, ठीक है। तो अभी ये वीडियो डन हो गई है, 5M का इशू फिक्स है, ये भी बिल्कुल इजी फिक्स है। और किसी का अगर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, लाल हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो भाई मतलब कि बार बार क्रैश हो रहा है, तो आप अपनी GTA 5 की फाइलें जो हैं वो आप एक दफ़ा उनको वेरीफाई कर लें, ठीक है, स्टीम से अब जहाँ पर भी आपने की हुई है। उसके अलावा भाई 5M में आप दूसरे सर्वर आपके अगर डाउनलोड हुए हैं ना, तो भाई 5M को पूरा उड़ा दो या कैशे उड़ा दो, इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, समझ रहे हो आप भाई। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Thank you.